जय श्री कृष्ण। हमारी संस्कृति में अलग अलग देव देवी को अलग अलग भाव के लिए पूजा जाता है। राम को मर्यादा के लिए तो सीता को सहनशीलता के लिए, विष्णु को संचालन के लिए तो लक्ष्मी को वैभव दान के लिए, पार्वती शक्ति का रूप है तो शिव वैराग्य का। लेकिन जब बात प्रेम की आती है तो एक ही जोड़ी ऐसी है जिनका नाम साथ में लिया जाता है, वो है राधा कृष्णा। जो धरती के आकर्षण से नीचे की ओर बहे वो है धारा, जो आकर्षण को तोड़कर ऊपर की ओर जाए वो है राधा, जो सागर से मिलकर अपना अस्तित्व खो दे वो धारा, जो अपने अस्तित्व की उद्गम की ओर जाए वो राधा। हर छूटती श्वास यदि कृष्ण है तो हर ली हुई श्वास है राधा। जीवन का सार यदि कृष्ण है तो जीवन का आधार है राधा। अब आप ही बताइए, क्या सार से बड़ा आधार हो सकता है? क्या नहीं। इसलिए कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। बड़ी विचित्र बात है, मनुष्य ईश्वर की भक्ति तो करता है लेकिन उनके चिन्हों में ही खो जाता है। ये भक्ति में भारी भूल है। अपनी भूल को स्वीकार करना ये भूल सुधारने का आरंभ होता है। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी भूल को स्वीकार करते हैं। मनुष्य उसी की भक्ति करता है जिससे वह प्रेम करता है, परंतु उसी भक्ति को शक्ति बनाकर अपने आराध्य पर बस पाना चाहता है। मनुष्य भूल जाता है कि प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं बल्कि उसी में खो जाना होता है। आत्मा की संतुष्टि नहीं, आत्मा का विस्तार है प्रेम। भक्ति का मूल है प्रेम। संसार जो सुनता है उसे भूल जाता है, लेकिन जो देखता है उसे स्मरण रखता है। प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। प्रेम हर पीड़ा का अंत है। प्रेम हर सुख का आरंभ है। प्रेम इसे समझना होगा। पाने को ही प्रेम करे जग की है ये रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्णा की प्रीत। प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती है कुछ कहानियां, कुछ इच्छाएं, कुछ संघर्ष, परंतु सभी कहानियां संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं रह जाती है अधूरी। क्यों? और आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा रहा, कुछ कहेंगे निश्चय दृढ़ नहीं रहे, कुछ क्रोध करेंगे तो कुछ अपनी असफलता का बोझ अपने भाग्य के कांधे पर डाल देंगे। परंतु इसका कारण है एक तत्व की कमी। कमी है ढाई अक्षर की, कमी है प्रेम की। प्रेम जो न शास्त्रों की परिभाषाओं में मिलेगा, न शस्त्रों की बल में, न पाताल की गहराइयों में मिलेगा और न ही आकाश के तारों में। ये प्रेम है कहाँ, कैसे पाया जाता है इसे? कहाँ है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास रहेगा आपको ये समझाने का। क्या आपने मटकी को देखा है जिसमें जल रखा जाता है? जल जो शुद्ध होती है, जल जो शीतल होती है, जो हमारी प्यास बुझाती है। जरा सोचिए, यदि मटके की मिट्टी ठीक ना हो, उसे ठीक से नहीं रौंधा गया हो, कुम्हार ने उसे आकार देकर उसे अग्नि में ठीक से नहीं पकाया गया है, तो क्या होगा? यही हमारा मन के साथ भी होता है। क्योंकि प्रेम यदि जल है तो मटकी है मन। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास की माटी ना हो, आंसुओं से उसे नहीं सींचा गया, समय रूपी कुम्हार ने उसे आकार न दिया हो, परीक्षा रूपी अग्नि में उसे पकाया न गया हो, तो प्रेम मन में नहीं ठहर सकती। यदि प्रेम को पाना है तो हृदय पर काम करना होगा। तो प्रेम से कहिए राधे राधे।